हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे लिंक्ड लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ये प्रॉब्लम थोड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्योंकि अगर इस प्रॉब्लम का टैग देखोगे तो ये मीडियम है। बट अगर आप इस प्रॉब्लम को समझ के सॉल्व करोगे ना तो प्रॉब्लम बहुत ईजी है और बहुत अच्छा भी है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, हम सबसे पहले अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो मर्ज इन बिटवीन लिंक लिस्ट, ठीक है, तो हमको दो लिंक लिस्ट गिवन है और हमको क्या करना है, मर्ज करना है। हमारा दो लिंक लिस्ट का लिस्ट गिवन है, हमको अपने सेकंड लिस्ट को फर्स्ट वाले लिस्ट में मर्ज कर देना है। और मर्ज करना है किस ऑर्डर में, वो बताया है आपको। तो आप इसका जब प्रॉब्लम पढ़ोगे ना, यू आर गिविंग टू लिंक लिस्ट, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू ऑफ साइज। अगर लिंक लिस्ट है तो उसका कुछ लेंथ होगा ही। रिमूव लिस्ट वन नोड फ्रॉम द एथ नोड टू दी बी एथ नोड, ठीक, एंड पुट लिस्ट टू इन देयर प्लेसेस। मतलब हमको एक लिस्ट, दो लिस्ट गिवन है, लिस्ट वन और लिस्ट टू। तो लिस्ट वन का कुछ वैल्यू है, ठीक है, लिस्ट वन का कुछ व्हाट आई कॉल लेंथ होगा। उस लेंथ में से हमको कुछ मिडिल का पोर्शन रिमूव करके उस रिमूव पोजिशन में अपना सेकेंड वाले लिस्ट का इंसर्ट करा देना है, इसी को मर्जिंग कहते हैं, ठीक है। अब आप अगर इसका पहला टेस्ट केस देखो तो यहाँ पे ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 4 है, मतलब 0, 1, 2, 3। ये थर्ड नोड से लेके फोर्थ नोड तक हमको रिमूव करना है अपने पहले लिंक लिस्ट से, और इसके जगह पे हमको कुछ नहीं, अपना सेकेंड लिस्ट को मर्ज कर देना है। दैट्स ऑल, इतना सा ही हमारा काम है, ठीक है। और 3 और 4 जो है ना, वो रन टाइम पे यूज़र हमको इनपुट कराएगा, ठीक है। बट अगर आप इसका कंस्ट्रेंट देखो तो इस कंस्ट्रेंट में गिवन है कि एट लीस्ट 3 नोड से तो होगा ही। अगर हम लोअर बाउंड की बात करें तो 3 नोड तो है ही, और ज़्यादा से ज़्यादा 10^4 नोड है। तो हमको बेसिकली करना क्या है, हमको मर्ज करना है। तो मेरा क्या यहाँ पे इंट्यूशन है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने पहले लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। कब तक, जब तक हम ए जो वैल्यू है उतना तक रीच ना कर जाएं, क्योंकि हमको ए जो वैल्यू है और बी जो वैल्यू है इस दोनों के बीच में उसको मर्ज करना है, राइट। तो इस दोनों को मर्ज करने से पहले हमको वहाँ तक रीच करना होगा। तो रीच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं, हम एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। इंट काउंट असाइन 0, इसका इनिशियल वैल्यू हम असाइन कर लेते हैं 0। हम बेसिकली क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, कब तक, जब तक हम ए तक ना पहुँचें। जैसे ही हम ए तक पहुँचेंगे, हम अब क्या करेंगे, हमको ये पता चल गया कि हमारा लिस्ट टू का इंसर्शन पॉइंट कहाँ है। अब हम बी को फाइंड आउट करेंगे। क्यों बी को फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमारा जो लिस्ट टू का लास्ट नोड है ना, उसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, जो बी वाले नोड के बाद का नोड है उसका एड्रेस। तो इस काम के लिए हम कोड लिखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम दो पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं, किसके, किस टाइप का, लिस्ट नोड टाइप का। तो लिस्ट नोड टाइप एस्ट्रिक FST नोड फर्स्ट नोड, ठीक है। फर्स्ट नोड डिनोट कर रहा है, ये पॉइंट करेगा ए वाले नोड का एड्रेस को, ठीक है। उसमें हम असाइन करवा दिए क्या, लिस्ट वन का एड्रेस और एस्ट्रिक ऑफ सेकेंड नोड, ठीक है। तो SND सेकेंड नोड, ये पॉइंट करेगा किसको, हमारे दूसरे वाले लिंक लिस्ट को, ठीक है। इसीलिए हम उसमें असाइन करवा दिए पढ़ाई कौन लिस्ट टू। यार अभी हम इसको अगर नहीं भी चाहें ना, तो हम सिंपली लिस्ट टू को असाइन करते हैं नल। हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं कि हम यहाँ पे सेकंड नोड का यूज कहाँ करने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम जब अपना काउंट करेंगे ना पहले ए के लिए, तो हमको इस नोड के नेक्स्ट में लिस्ट टू वाले नोड का एड्रेस असाइन करना है ना। तो ये सेकंड नोड पॉइंट करेगा हमारे सेकंड वाले नोड को, और फर्स्ट नोड जो है FST नोड, ये पॉइंट करेगा ए वाले नोड को, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक लूप चलाते हैं, जब तक वाइल, जब तक काउंट हमारा छोटा है किससे, ए से, तब तक ये लूप चला। इस लूप में हम क्या करेंगे, इस लूप में हम कुछ नहीं, हम काउंट में इंक्रीमेंट कर देंगे, काउंट प्लस प्लस
और सेकंड नोड जो है ना इसको कॉपी कर लेते हैं। सेकंड नोड में हम असाइन कर देंगे जो भी हमारा फर्स्ट नोड का एड्रेस है, FST नोड, ठीक है। और ये कर लेने के बाद हमको अब FST नोड में भी अपडेट करना होगा, क्योंकि बेसिकली हमको FST नोड को ए वाले नोड तक पहुंचाना है, ए वाले वैल्यू तक, ठीक है। तो FST में आ जाए FST का नेक्स्ट, ठीक है, इतना दूर तक सही है। ये लूप कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ, हमारा जो FST नोड है ना वो ए वाला जो वैल्यू है, ए का वैल्यू लेट से 3 है, तो ये अभी थर्ड पोजीशन को पे जो नोड है उसको पॉइंट कर रहा है मेरा FST वाला नोड, ठीक है। अब हमको क्या करना है, हमको ये समझ में आ गया कि अब हमको लिस्ट 2 का इंसर्शन पॉइंट पता चल गया कि हम कहाँ अब इसको मर्ज करने वाले हैं, ठीक है। अब हमको इसके नेक्स्ट में भी इस हमारा जो लिस्ट 2 का जो लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए, जो 4 के नेक्स्ट में है, जो बी बी वाले नोड के नेक्स्ट का एड्रेस है, ठीक है। तो हमको इसको ट्रैवर्स करना होगा ना उस अगले वाले नोड का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए, तो वो काम हम कहाँ करेंगे, तो वो काम के लिए भी हम एक लूप ही चलाएंगे। जब तक काउंट हमारा लेस देन बी है ना तब तक हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं, हम काउंट में इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक, और फिर FST को हम आगे फॉरवर्ड करते जाएंगे, ठीक है। FST असाइन FST का नेक्स्ट, ठीक है। ये अभी हमारा सेकंड नोड, हम अभी हम FST को क्यों मूव किए फर्दर आगे, क्योंकि हम इसको अगर आप देखेंगे तो सेकंड वाला जो सेकंड नोड है ना वो हमारे 2 वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, जो कि ए से जस्ट एक नोड पीछे है, ठीक है। तो अब हम इसको व्हाट आई कॉल इन वैल्यू बदल सकते हैं, हम अपडेट कर सकते हैं, हम आगे ट्रैवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारा लिस्ट 2 जो है वो 2 के बाद ही आएगा, राइट, और 2 का हमको एड्रेस हम स्टोर करके रखे हुए हैं, 2 वाले नोड का एड्रेस, ठीक है। तो काउंट जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा ना तो हम सिंपली कुछ नहीं करेंगे, हमको ये समझ में आ गया कि हम इस नोड तक भी आ गए इस लूप का कंप्लीट हो जाने के बाद, तो हमको ए और बी का वैल्यू पता चल चुका, उस नोड का एड्रेस हमारे पास है। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेकंड नोड के ए के जस्ट पीछे वाले नोड के नेक्स्ट में लिस्ट 2 का पहला नोड का एड्रेस असाइन करवा देंगे। तो उस चीज़ के लिए हम क्या लिखते हैं, हम उसके लिए लिखेंगे सेकंड नोड के नेक्स्ट में हम असाइन कर देंगे नथिंग बट लिस्ट 2 का जो भी एड्रेस होगा, लिस्ट 2 अभी पहले नोड को कर रहा है पॉइंट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको इस पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करना होगा, सेकंड लिस्ट को कब तक ट्रैवर्स करना होगा, जब तक हम लास्ट नोड तक नहीं आ जाए। हम जैसे ही लास्ट नोड तक आएंगे इसके नेक्स्ट में हम 4 वाले के जो अगला 4 के जो नेक्स्ट में होगा उसका वैल्यू असाइन कर देंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं, हम एक लूप चला देते हैं, जब तक व्हाइल लिस्ट 2 के नेक्स्ट में जब तक नल ना हो जाए ना तब तक हम ये लूप चलाएंगे। हम सिंपली लिख देंगे लिस्ट 2 के लिस्ट 2 में असाइन हो जाए लिस्ट 2 का नेक्स्ट, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, हम सिंपली लिस्ट 2 के, ये लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम कहाँ आ गए, हम लास्ट वाले लिस्ट 2 के लास्ट वाले नोड में आ गए, तो हम सिंपली लिस्ट 2 के नेक्स्ट में असाइन करवा देंगे क्या, जो अभी हमारा FST का नेक्स्ट होगा। FST अभी 4 को पॉइंट कर रहा होगा जो कि बी वैल्यू का एड्रेस है, ठीक है। तो उसमें हम सिंपली असाइन कर दिए FST का नेक्स्ट, और ये हो जाने के बाद हम सिंपली रिटर्न करा देंगे क्या हमारा लिस्ट 1, क्योंकि हम लिस्ट 1 में ही सारा ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। हमको ये फंक्शन कह रहा है कि आप मर्ज करवा के पहले वाले नोड का एड्रेस रिटर्न कर दो, किसी भी नोड का एड्रेस रिटर्न करवा दो, ठीक है, क्योंकि ये एड्रेस एक्सेप्ट कर रहा है, इसका रिटर्न टाइप है एड्रेस। तो हमको इन मर्ज करना था पहले वाले लिस्ट में ना, इसीलिए हम पहले वाले लिस्ट में मर्ज करके पहले वाले लिस्ट का एड्रेस रिटर्न कर दिए। आइए इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी कोड फटता भी है। तो हमको जैसा दिख रहा है हमारा एक्सेप्टेड है, ठीक है, हमको बिल्कुल सही है हमारा इनपुट। अगर आप देखो
तो ए और बी के लिए ये वर्क कर चुका है, आइए इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। तो हम क्या किए, एक बार हम उसको आपको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, हम कुछ नहीं, हमको दो लिस्ट दिया था, एक लिस्ट वन और लिस्ट टू। हमको लिस्ट वन में मर्ज कर देना है क्या, लिस्ट टू के डेटा को, सिंपली लिस्ट टू को मर्ज कर देना है। ठीक है, और हमको वो अप्रोप्रिएट पोजीशन भी दिया है कि आप लिस्ट वन के दो वैल्यू है आपको ए और बी, उसी दो वैल्यू के बीच में आपको ये लिस्ट को मर्ज करना है। तो हम कुछ नहीं किए, हम सिंपली पहले लिस्ट वन के को ट्रैवर्स किए, कब तक, जब तक हम उस इंडेक्स तक नहीं आ जाएं। ए और बी कुछ नहीं है, इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको कहा भी गया है क्वेश्चन में कि आप व्हाट आई कॉल डब्ल्यू, आप इसको इंडेक्स बेस से ही आप ट्रैवर्स करते करते आगे जाओ। ठीक है, जैसे ही हम ए और बी, हमारे लिस्ट वन में थर्ड का इंडेक्स, जो भी ए वैल्यू का इंडेक्स है और बी का जो इंडेक्स है उसको रीच कर लिए, फिर तो हमारा काम हो गया। फिर हमको एक सिंपल सा स्टेप परफॉर्म करना है, क्या स्टेप, मर्जिंग का स्टेप। हम सिंपली अपने पहले लिस्ट को ट्रैवर्स कर करके थ्री और फोर तक आ गए, और सेकंड लिस्ट को ट्रैवर्स किए लास्ट तक। जैसे ही लास्ट नोट पे हम रीच किए, उसके नेक्स्ट में हम असाइन करवा दिए फोर के, जो फोर जिस नोट को कर रहा है पॉइंट, उसका एड्रेस। ठीक है, और इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका। अगर आपको इस कोड को समझने में दिक्कत जाएगा ना, तो आप दो तीन टेस्ट केस पर इस कोड को रन कीजिए। ठीक है, आप जब तक खुद से डायर नहीं कीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। आप इसको दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते थे। हम यहाँ पे एक ही फंक्शन कॉल में सारा कोड लिख लिए, आप क्या करते, आप डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन बना लेते, क्या फंक्शन इसको और मॉड्यूलराइज कर लेते। आप एक काउंट चलाते, कब तक, जब तक आप ए का वैल्यू रीच नहीं कर ले। एक फंक्शन लिखते जब तक आप बी का वैल्यू रीच नहीं कर लेते। दोनों एक एड्रेस रिटर्न करता, और उसी एड्रेस में हमको मैनिपुलेशन करते, हमारा वो भी सॉल्यूशन सक्सेसफुली सॉल्व हो जाता। तो उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि लिंक्ड लिस्ट पे और कितना वेरिएशन प्रॉब्लम का हो सकता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जितना शेयर करोगे उतना मोटिवेशन मेरा ज़्यादा होगा ये सारा वीडियो अपलोड करके आप तक पहुंचाने में। ठीक है, तो जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।